देखो पिछले काफ़ी समय से पार्टिकुलर एक मुद्दा लेकर के, एक नारा लेकर के, खास करके मैं कहूँगा कि सिख कम्युनिटी के ऊपर जो है ना अटैक हो रहे थे बार बार जो है। सिख हमेशा शांति चाहते हैं और आज के मार्च में यही चीज़ हमने साबित की है कि हम इस देश में रह करके हम शांति प्रिय कानून चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ जो है ना अन्याय नहीं होना चाहिए, जाति नहीं होनी चाहिए। जो लोग को इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी समाज से हो। सिर्फ यही मैसेज लेकर के गुरुद्वारा डेरा कार सेवा से हम जो है पूरा सिख समाज यहाँ आया था, इसके साथ और भी बहुत सारे समाज के लोग बीच में शामिल हुए हैं। ये भाईचारे को बढ़ाने के लिए, आपसी भाईचारा, जो 36 बिलादरी का भाईचारा है उसको बढ़ाने के लिए आज ये रोज मार्च निकाला। पिछले दिनों भिंडरावाला की तस्वीर वाली गाड़ियां भी तोड़ी। हाँ देखो, मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कहूंगा कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाला एक इशू बनाया गया इस नाम को। सिख धर्म के लिए सबसे सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त साहब है। सिख हमेशा अकाल तख्त से आने वाले आदेश का पालन करता है। जब अकाल तख्त ने भिंडरावाले को शहीद करार दे दिया तो लोगों का इतराज नहीं होना चाहिए। तो आज उनकी तस्वीर लेकर प्रदर्शन किया रोज मार्च? नहीं, वो तो देखो एक क्योंकि मुद्दा यही था कि गाड़ियां तोड़ी गई, एक फोटो लेकर गाड़ियां तोड़ी गई, इसलिए एक सिंबल बीच में रखा गया। सर, ये किसान लोग आज आए थे मेमोरेंडम देने, तो क्या मेमोरेंडम था और क्या बात है? नाम क्या रखे थे? ये भावनाओं के साथ मतलब खिलवाड़ में किया जाए, तो इस तरीके की नहीं, उन्हें ज्ञापन दिया ज्ञापन द्वारा पूछा जाए। तो प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे? प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। तो जैसे कि भिंडरावाले की तस्वीर लेके यहाँ पर पहुँचे थे, तो उसके बारे में क्या कुछ कहोगे सर आप? वो सही था या गलत था, क्या कुछ कहोगे सर इस बारे में?